वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मुझे 2015 की अपनी वो पहली यात्रा याद है, तब मुझे केंद्र सरकार में आए बहुत अरसा नहीं बीता था। 3 दशक के बाद किसी भारतीय पीएम की ये पहली यूएई यात्रा थी। डिप्लोमेसी की दुनिया भी मेरे लिए नई थी। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए थे। वो गर्मजोशी उन सभी की आंखों में वो चमक मैं कभी भी भूल नहीं सकता। उस पहली मुलाकात में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने करीबी के घर आया हूं, वो भी एक परिवार की तरह मेरा सत्कार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो सत्कार सिर्फ मेरा नहीं था, सत्कार वो स्वागत 140 करोड़ भारतीयों का था। वो सत्कार यहां यूएई में रहने वाले प्रत्येक भारतीय का था। साथियों, एक वो दिन था और एक आज का ये दिन है। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है। ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था और यही बात उन्हें खास बना देती है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमें भी 4 बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे, तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। आप जानते हैं
ये आभार किस लिए? आभार इसलिए क्योंकि वो जिस तरह यूएई में आप सभी का ध्यान रख रहे हैं, वो जिस तरह आपके हितों की चिंता करते हैं, वैसा कम ही देखने को मिलता है। इसलिए उन्हें धन्यवाद बोलने के लिए वो सारे लोग घरों से बाहर निकल आए थे। साथियों, ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जया जायद इसे सम्मानित किया है। ये सम्मान भी सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासियों का सम्मान है, आप सभी का सम्मान है। मैं जब भी मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलता हूं तो वो आप सभी भारतीयों की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो यूएई के विकास में आपकी भूमिका की तारीफ करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। समय के साथ ये रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा, और इसमें भी ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद की बड़ी भूमिका। आपके प्रति वो कितनी संवेदनशीलता से भरे हुए हैं वो मुझे कोविड के दौरान भी दिखा। तब मैंने उन्हें कहा था कि हम भारतीयों को वापस लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं बिल्कुल चिंता न करूं, उन्होंने यहां भारतीयों के इलाज के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हर तरह के इंतजाम किए। उनके यहां रहते मुझे वाकई कोई चिंता करनी भी नहीं पड़ी। मैं आप सबके प्रति उनका ये असीम प्रेम हर पल अनुभवता हूं, और इतना ही नहीं, जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हां कह दिया।